Hello and welcome to Tulika's Recipes. आज हम बनाएंगे सैंडविचेस दो तरह के, वो भी मेयोनीज वाले. चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक पैन लेते हैं और एक दूसरा ग्रिल पैन भी लिया है मैंने. तो इस वाले पैन पे हम लोग सबसे पहले चिकन को, क्योंकि हम लोग आज चिकन मेयोनीज सैंडविच भी बनाएंगे और एग मेयोनीज सैंडविच भी बनाएंगे. तो यहाँ पे चार ब्रेड पीसेस हैं जिसके साइड्स मैंने काट लिए हैं, उसको आप ग्रिल के पैन में सेकने के लिए रखें. और इस तरफ एक पैन में आप थोड़ा सा बटर, आज के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आप अपने हिसाब के साथ ही बनाइए, इसमें मैं कुछ बोलूँगी नहीं. जितना भी आपको बनाना है, जितने नंबर ऑफ़ सैंडविचेस बनाने हैं उस तरह से. मैं यहाँ पे दो सैंडविच बना रही हूँ. चलिए तो सबसे पहले चिकन सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बटर में प्याज, इसको अच्छे से आप बहुत अच्छे से नहीं, थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको बटर के साथ मिक्स कर लीजिए प्याज को, इसका क्रंचीनेस रहे. और यहाँ पे बोनलेस चिकन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने दो ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और उसको पतला पतला स्लाइस में काट के मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी इसको. बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें, इसमें आप अंदाज से सॉल्ट डालिए. अब आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कीजिए, आप चाहे तो थोड़ा मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं. अच्छा, अब इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए. अच्छा, फ्लेम आपका मीडियम टू हाई ही रहना चाहिए. इस तरफ दोनों तरफ आप दोनों साइड से जो ब्रेड है उसको अच्छे से सेक लीजिए. ये ग्रिल पैन होने की वजह से इसमें सुंदर सा एक लाइन आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में. ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड पीसेस को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इस तरफ मेरा चिकन भी तैयार हो गया है. आप दोनों तरफ से देख लीजिए जल्दी से इसको. अब ओके, नाउ ट्रांसफ़र इट इन अ बाउल और इसको श्रेड करके रखिए. ठंडा होने के बाद आप किसी फोर्क के हेल्प के साथ आप इसको श्रेड कीजिए. नाउ अब हम बनाएंगे एक मिक्सचर, ये है खीरा, कुकुम्बर उसको भी ग्रेट किया है मैंने, और यहाँ पे कैरेट है उसको भी ग्रेट करके, और थोड़े से प्याज, ये लगभग एक टेबलस्पून करके हैं दोनों. ये इसमें भी मैं मेयोनीज दूंगी, ये लेयर्स बनने वाले हैं. तो इसमें आप थोड़ा सा सबसे पहले ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कीजिए, सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेयोनीज में इटसेल्फ मेयोनीज सॉल्ट रहता है उसके अंदर. तो अब इसके ऊपर आप एक टेबलस्पून मेयोनीज डालिए, लाइक दिस. ठीक है, अब इसको अच्छे से मिला के जल्दी जल्दी तैयार करना है क्योंकि कुकुम्बर पानी छोड़ देता है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत टाइम नहीं देंगे, जल्दी से बनाएंगे और जल्दी से खाएंगे. तो यहाँ पे इसको आप मिक्सचर बना के रखिए, ये हो गया. अब हम लोग दूसरा जो मेरा एग सैंडविच बनेगा, इसमें मैंने एक बॉयल्ड एग लिया है और इसको इस तरह से मैं फोर्क के हेल्प से इसको मैश करूँगी इस तरह से. सुबह सुबह का जल्दी का नाश्ता बहुत हेल्दी भी है और बहुत क्विकली बनता है, बस आपके साथ पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो भी लगता है इसमें. हाँ, इसमें आप पेपर डालिए और इसमें भी आप मेयोनीज डालिए, ये भी ऑलमोस्ट वन टेबलस्पून के हिसाब से. यस, बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरी बेटी का फेवरेट है ये, वो हर हफ्ते ही मैं उसको ये बना के देती हूँ. अंडा भी चला जाता है और ज़्यादा कुछ इसमें फ्राई वगैरह भी नहीं है, एंड मेयोनीज इज क्वाइट हेल्दी. ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेबल वाला मिक्सचर हो गया. अब हम लोग जो ये चिकन मैंने रखा था, इसको मैंने बोला था मैंने श्रेड करके रख लिया है, इसमें भी मैं मेयोनीज डालूंगी. ये
ठीक है। तो यहाँ पे चिकन को मेयोनीज के साथ इस अच्छे से मिक्स करके, अच्छा ये जो सारे सारे मिक्सचर हैं ये इस वेजिटेबल वाले को छोड़ के आप इन दोनों को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, 2 से 3 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग चिकन सैंडविच बनाएंगे। ब्रेड के पीसेस में आप चाहे तो बटर लगा लीजिए बेस में पहले, उसके बाद आप ये मिक्सचर चिकन वाला इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, और आप अगर चाहे आपके बच्चे पसंद करते हो तो एक चीज़ का स्लाइस भी इसमें डाल दीजिए। हाँ तो अब आप ये दूसरा वाला स्लाइस डाल के इस तरह से, यस ये चिकन सैंडविच इज़ रेडी। अब हम लोग दूसरा वाला सैंडविच बनाते हैं। तो फिर से एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड में आप फिर चाहे तो बटर लगा सकते हैं। अब इसमें ये एग वाला जो मिक्सचर है पहले वो वाला लेयर हम लोग डालेंगे। ये 3 लेयर सैंडविच होगा। अच्छे से स्प्रेड कीजिए इसको, ये बहुत यमी लगता है खाने में, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए। अच्छा दूसरा वाला ब्रेड इसके ऊपर हम लोग रखेंगे, और अब ये जो कुकुम्बर कैरेट वाला मिक्सचर है इसको आप ये दोनों जो मैंने सैंडविच एग वाले दिए हैं उसके ऊपर ही ये लेयर लगाइए। इस पे भी आप अगर चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, कुछ हर्ब्स के स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सिंपल रखा है, मेरी बेटी को ऐसा पसंद है, लेकिन ऑप्शनल आप बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अब ये दूसरा वाला डाल के, तीसरा वाला ब्रेड, यस अब इसको आप चाहे तो ट्रायंगल काटें या ना काटें, ये फटाफट बनने वाले बहुत टेस्टी यमी एंड हेल्दी सैंडविचेस रेडी। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो एंजॉय योर सैंडविचेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।